काम वाली मासी आ गई, कमरा खाली करो। और नहीं 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 Welcome back to my another beautiful vlog. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर खैरियत से हूँ, लेकिन सनी जो कल इतना ज़्यादा बीमार था, आज वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया है और ना मम्मा उसको फिर से भाते हैं ताकि ये अच्छे से सांस ले, क्योंकि ये जो कुछ भी खाता है ना इसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये इतना ज़्यादा बीमार है, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मुझे भी बुखार नज़ला होने वाला या बस हो गया समझो। तो आज मेरी स्टडी वाली रूटीन भी सारी डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि सनी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मम्मा सनी की केयर करनी है, क्योंकि अगर मम्मा कोई काम करती है, मम्मा बाहर जाती है, तो सनी मम्मा के पीछे चला जाता है और फिर पानी में हाथ डालता है। तो मैंने सोचा है कि आज भाई ना घर के सारे काम जो है ना मैं करूँगी। तो मम्मा ने ना सुबह सुबह बनाया था नाश्ता, नाश्ता जो है हमने किया था। अब नाश्ता तो कर लिया है ना, पानी वाला काम है जी बर्तन धोना। तो जो बर्तन है ना मैं धोंगी और झाड़ू वगैरह भी लगाने हैं वो भी आज सारा काम मैं करूँगी। और स्टडी जो है फिर सारा काम करके फिर देखेंगे कि स्टडी हमने क्या करनी है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि सनी को अचानक इतना क्या हो गया, मतलब इसको पहले इतना कभी इतना ज़्यादा बुखार या नज़ला वगैरह नहीं लगा जितना इसको अब हो रहा है। शायद वो धूप निकली है ना, तो इसने इतना जी भर के खेला इन 3 दिनों में जिस दिन ना धूप निकली है, तो शायद ना इस वजह से ना फिर इसने माल्टे भी खाए हैं, नहाया भी है, तो इस वजह से शायद इसको ठंड लगी है। तो इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो मैं अब करूँगी काम, पहले मैंने धोने हैं बर्तन, बर्तन धो के फिर मैं जो है झाड़ू लगाऊंगी और फिर जो है फिर स्टडी करेंगे और फिर अकेडमी जाएंगे हम आज। बस तुम ऐसे ही निकलना, ज़्यादा मत निकलना, ठीक है ना, पर्दे में रहना जी। बर्तन शर्तन धुल चुके हैं, अब जो है हमने देना है झाड़ू और पहले जो है ना घर की सफाइयाँ सफाइयाँ करेंगे, डस्टिंग शस्टिंग करेंगे, क्योंकि पता चले कि महक फातिमा का घर है और थोड़ा साफ सुथरा घर है, तो भी पहले झाड़ू वगैरह देंगे। अब जो है ना पहले झाड़ू शाड़ू शुरू करेंगे मम्मा के रूम से। आज देखो जी चीज़ें देखी हैं बिखरी हुई, सनी सोया हुआ था यहाँ पे, चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो यहाँ के कमरे का ना आप पहले लुक देखें बिफोर, फिर महक फातिमा आज जब काम करेगी ना तो फिर पता चलेगा कि काम हुआ हुआ है। तो मैं फिर आपको आफ्टर की भी लुक दिखाऊंगी इस कमरे की। चलो जी झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, इस कमरे को अच्छे से रेडी शेडी करते हैं, फिर आपको किसी और कमरे में लेके चलते हैं। A few minutes later. ओए होए 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 होए। देखो कमरा लश्कारे मार रहा है ना भाई, मैंने जो सफाई की है लश्कारे तो मारेगा भाई। अब इस कमरे का जो काम है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है और अब जाऊंगी मैं अपने रूम को चमकाऊंगी थोड़ा सा और अपनी बुक्स वगैरह भी सेट करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात पे ताना मिलता है कि मेरी किताबें बिखरी हुई होती हैं। हालांकि अली का रजिस्टर पढ़ा होता है, चांदी का रजिस्टर पढ़ा होता है, नहीं बस जिसका भी रजिस्टर पड़ा ना इस पर ठप्पा है कि ये महक का रजिस्टर पड़ा हुआ है। तो बुक शुक्स भी सेट करेंगे और चलेंगे अब उस रूम के अंदर। काम वाली मासी आ गई, कमरा खाली करो। आओ जी कमरा खाली है, सिर्फ और सिर्फ ये बुक्स भी मेरी बिखरी पड़ी है और वो वाला बिस्तर भी मेरा बिखरा पड़ा है। है कैसे हो गया ये, लाइट्स तो ऑन कर दूँ, लाइट्स ऑन करेंगे। आओ जी ऐ है जी मेरा कमरा, बिस्तर अपना सेट करेंगे, झाड़ू शाड़ू लगाएंगे, बुक्स सेट करेंगे और फिर जो है ना किसी दूसरे काम को हाथ लगाएंगे। अगर मम्मा ने मेरा ये बिस्तर देख लिया ना, समझ गए होगे भाई आपके घर भी तो ऐसा होता होगा ना। कोई बात नहीं जी, करेंगे अपना सारा काम,
फिर आपको दिखाएंगे। अल्लाह भाई माशाल्लाह, मेरा रूम भी बिल्कुल सेट नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम आएंगे हॉल की तरफ। देखा चीजें कैसे बिखरी हुई हैं, देखा है सेट। ओए होए 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 जी, धूप निकल आई माशाल्लाह। होए 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 देख रहे हो, अरे मजा आ गया धूप को देख के, एनर्जी मुझे फील हो रही है। टाइम 11:30 हो गया, मैं पढ़ूंगी किस वक्त। खैर बस जल्द जल्दी अब मैं काम निपटाती हूँ और जल्द जल्दी बस पढ़ने बैठते हैं, किसी ना किसी तरह टाइम निकालना ही पड़ेगा ना स्टडीज के लिए। खुद तो टाइम मेरे पास चल के आएगा नहीं कि भाई हम आपको टाइम देते हैं, आप पढ़ते रहो जी। लाइटें शाइटें ऑफ करेंगे इस रूम की और अब हाल की सफाई करेंगे, सहन की करेंगे और उसके बाद जो है पढ़ने बैठेंगे। मेरी चिड़िया इधर आ, मेरी चिड़िया रानी। धूप निकल आई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी। सनी जो है ना, धूप निकली है तो सनी कुछ खेल रहा है, और सनी खेल रहा था तो मम्मा ने कहा कि भाई अब जो है ना मैं थोड़े से ना कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। मम्मा जी कर रही है कपड़े इस्त्री। सुबह जो थे ना थोड़े से कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे मम्मा को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ना, भाई बाबा अली सबके इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ कपड़े मैंने सुबह मम्मा को इस्त्री कर दिए थे। 2-3 सूट जो रह गए थे मम्मा अब इस्त्री कर रही है, और अल्लाह का शुक्र है आज लाइट भी नहीं गई। वो खांसी कर रहा है फिर से। इधर आओ, किसके घर गया हुआ है? ये हैंगर इधर क्यों रखे हैं? ओए छुप गया, छुप गया। चलो आओ, चलें आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अपने घर चलें। देखे खांसी देखी है? बिस्मिल्लाह, खांसी देखी है? चलो जी, चलो 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 चलो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, गुड़ दो, आ गुड़ दूँ, आ जा, आ जा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स अब जो है ना मुझे भी लग रहा है कि मुझे खांसी हो रही है, तो पानी गर्म करूंगी, पानी गर्म करके सनी को भी दूंगी और खुद भी दूंगी। क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ? हाय हाय माशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, पानी गरम पीती है, इसको चीनी देती हूँ, चल पी ले। बिस्मिल्लाह 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 करके पियो, बिस्मिल्लाह। सनी को ना पानी गरम करके दिए, इसको इतनी ज्यादा खांसी है ना, जो भी पीता बस निकाल देता। फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके पियो, बिस्मिल्लाह। मैं आपको बताऊं, सनी मुझे इतना प्यारा है, क्योंकि घर में सबसे छोटा छोटा है ना, तो लाडला है, तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है इसका कुछ भी। क्या हुआ? कोई बात नहीं, पी लो। ओए नहीं, बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स अब मेरी जो कैपेसिटी है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है बोलने की। देखिए मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना गले में, मेरा भी गला ख़राब हो रहा है, मुझे भी लगता है जैसे मुझे ना बुखार होने वाला हो, तो मैं और ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो यही करूँगी मैं अपने ब्लॉग को एंड, क्योंकि इसके बाद मैंने अकेडमी जाना है और अकेडमी से आके मेरी हालत नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अब स्टडी भी तो करनी है ना, तो यही करूँगी मैं अपने इस ब्लॉग को एंड। आपने करना है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, मुझे भी दुआ में याद रखना है, सनी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है आपने। मिलेंगे एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।